नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सृष्टि कटियार, कंसल्टेंट फिजिशियन एट द वी क्लिनिक कानपुर। आइए आज आपके साथ में शेयर करते हैं आर्थराइटिस का एक केस, जो कि प्रमोद कुमार जी का है, जिनकी एज 35 ईयर की है, जो लगभग आज 10 सालों से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे। उनको सभी जॉइंट्स में दर्द हो रहा था, अकड़न भी हो रही थी, स्वेलिंग भी आ रही थी, उनकी फिंगर्स में भी डिफॉर्मिटी हो रही थी, फीवर भी कंटिन्यूस था। उन्होंने हमारे यहाँ वी क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराया और आज 3 महीने के बाद में उनको 80% रिलीफ हो चुका है। आइए सुनते हैं उनका फीडबैक वीडियो। हेलो हेलो जी, प्रमोद कुमार जी से बात हो रही है? हाँ बोलिए। प्रमोद जी, मैं वी क्लिनिक से बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, ये फीडबैक कॉल है, कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। सर, आपके हमारे यहाँ से मेडिसिन चल रही थी सर, गाउट की। हाँ जी। आपको जोड़ों में पेन रहता था? हाँ सर। बता पाएंगे आपको अभी कितना आराम है? हाँ ठीक है, बहुत आराम है जी। मतलब कितना? 70-80%। 80% अभी आप ठीक हैं? हाँ, दवा चलता है सर, अभी तक तो दवा कंटिन्यू चल रहा है 10 महीने करीब होगा। जी जी, तो मतलब अभी आप 80% प्रॉब्लम से ठीक हो चुके हैं ना? हाँ। अच्छा ये बता पाएंगे सर, आपको दिक्कत क्या क्या आ रही थी दवा लेने से पहले? दवा लेने से पहले भी गठिया बताते थे, मैं गया थे डॉक्टर से दिखाया था, एलोपैथ डॉक्टर से। तो बोलते थे कि गठिया हर जगह स्वेलिंग होती थी और पेन होता था, जैसे उंगलियों में। अच्छा। जितने भी ज्वाइंट पे है, ज्वाइंट जगह बॉडी में, घुटनों में, घुटने के नीचे, एल्बो पे ज्वाइंट, कमर के पास ज्वाइंट। तो फिर हम फेसबुक के माध्यम से बताए थे, तो पहले करीब दवा चला था, 4 महीने तक चला एक कंटिन्यू दवा, 3 टाइम का। फिर बाद में डॉक्टर साहब से बात हुई तो बोले कि नहीं, अब आप एक टाइम भी खा सकते हैं, 6 महीने से एक टाइम ही दवा खाते हैं, जो दवा आता है एक टाइम खाते हैं तो ठीक है। अच्छा, अभी आप लगभग जो आपको प्रॉब्लम्स थी लगभग 80% आराम है ना अभी आपको? हाँ 80% ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए दवा हुआ चला ही गया। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत लोगों को बताया हमारे बारे में। हाँ आप भी इसी तरीके की किसी समस्या से सफर कर रहे हैं, जैसे सियाटिका, स्लिप डिस्क, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, सर्वाइकल, गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या से सफर कर रहे हैं, तो आप हमारे वी क्लिनिक के द्वारा दिए गए हुए नंबर पर संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा सकते हैं। धन्यवाद।